नमस्कार, अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। एक बड़ी खबर कठुआ शहर से। जिस तरह आप सभी को पता है कि पशु तस्करी जो है उसके प्रयास जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज विभिन्न संगठनों के लोग जो है वो डीसी कठुआ के कार्यालय के बाहर उन्होंने रोष व्यक्त किया और पैदल मार्च निकालकर उन्होंने यही कहा कि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिला प्रशासन फौरन तौर पर हरकत में आए और जिस तरह से पशु तस्करी के प्रयास जिला कठुआ में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन पर जो है वो रोकथाम लगाई जाए। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह के संबंधित विभाग परमिशन बनाता है, 2 से 3 मवेशियों की परमिशन जो है वो एक इंसान को बनाकर देता है, लेकिन वही शख्स जो है वो 10 मवेशियों को भरकर जो है वो अपने ट्रक में लेकर जाता है, जिससे जो है वो बाकी के मवेशी हैं जो कि परमिशन के अलावा बचते हुए मवेशी हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तस्करी की जाती है और जिस पे जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। उन्होंने यही कहा कि जिला प्रशासन फौरन तौर पर हरकत में आए और इन उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें पूरी तरह से विलुप्त होते नजर आ रहे हैं और हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं ये एक काला धब्बा बनकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन इस वीडियो को देखकर फौरन तौर पर हरकत में आएगा और उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो है वो जोरों शोरों से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गोपी जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर महादेव, जय हर महादेव, माता की जय, मसला ये जी, आप सभी जानते हैं गौ तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और गौ तस्करी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सहन करने की क्षमता जो है हम लोगों का वो हद से बाहर हो गया है। अब हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि एकजुट हो जाओ और हिंदुओं जाग जाओ और जाग करके गौ माता के लिए अपना एक कदम हमारा साथ दो, क्योंकि जो गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, वो बंद होना चाहिए। और जो गौ तस्करी में ज़्यादा मैंने सुना है और यहाँ की जो टीम यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे एक सामने आया है बात कि जो एडमिनिस्ट्रेट है वो जो है उनको परमिशन बना के दे रही है 2 या 3 गाय का, लेकिन वो लोग रख रहे हैं 10-10 गाय और 10-10 गायों में से 7-6 गाय को सप्लाई कर रहे हैं कतल खाने में। तो ये बर्दाश्त से बाहर है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गौ माता का इस तरीका से तस्करी हो। और गाय पकड़ाया भी जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है और जिसमें कुछ लोग लोकल भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को कड़ा सा कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए या कोई ना कोई ठोस कदम प्रशासन को उठाना चाहिए। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे जो है सभी लोग हर जगह से आकर के एकत्रित हुए हैं और हमने पैदल मार्च किया है परशुराम चौक से डीसी ऑफिस तक। तो मैं आप सभी हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ कि गौ माता को बचाने के लिए आप आगे आएँ और हमारी जो टीम है इनको सपोर्ट करें। कितने कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है इस मामले को? अब जैसे कि कड़ी कानून तो बनना ही चाहिए। देखो, लोग कहते हैं 400 पार, अब की बार 400 पार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार गौ हत्या बंद की नारे क्यों ना हो, अब की बार गौ हत्या बंद के नारे क्यों ना हो और अब की बार जो गौ हत्या करने वाला है उसको मौत की सज़ा क्यों ना हो, ऐसे कड़ी कानून लगाने की अपील हम सरकार से भी कर रहे हैं। यहाँ के अभी हम लोग पत्र लिख करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी भेज रहे हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको भी भेज रहे हैं और डीसी ऑफिस में डीसी साहब से जाके मिल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कानून होना चाहिए, ऐसे हत्यारों को जेल में बंद करना चाहिए या फिर फांसी की सज़ा होना चाहिए। अगर इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा आने वाले समय में तो अगला रुख क्या रहेगा? अगर बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जो अभी आपने देखा यहाँ पे सब लोग आक्रोश में हैं, सब लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। अगर प्रशासन ने साथ नहीं दिया और प्रशासन ने कोई कड़ी से कड़ी कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में खाली कठुआ से ही नहीं अपितु हर जगह से यहाँ पे लोग हजारों में एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के खुद जो है डीसी ऑफिस में आकर के वो कड़ी से कड़ी कानून की प्रति जो है या कानून जो है उसी वक्त जो है लागू करने की अपील करेगी। हमारा सनातन धर्म ऐसा है, एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में क्या होता है जो जहाँ पर गौ हत्या होती है वहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है, धरती माता, गौ माता, माता पिता, जहाँ ये दुखी है तो वहाँ संसार दुखी है, संसार उसी से जागृति होगा, जहाँ पर गौ माता, माता पिता, धरती माता शुद्ध होगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं अक भाई यहाँ पर सभी मिलकर एकजुट होकर
सब एकता से साधु समाज जितने भी जनसंख्या है छोटे बड़े माता बहन सभी मिलजुल कर गौ हत्या को बंद करें और इनके सभी के साथ लगकर जो भी जो गलत काम कार्य करते हैं जो परमिशन देते हैं उनके भी गैर खिलाफ हम सब मिलजुल कर कदम उठाएं, कड़ा से कड़ा कदम उठाएं। कानून बनाने के बाद कानून तो नहीं है, ये कानून नहीं है, हिंदू धर्म में कानून नहीं है। गायों को श्रीनगर भेज देते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर वहाँ हत्या होती है उनकी, ये सबसे बड़ा पाप है। हमारे जम्मू कठुआ के अंदर बड़ा पाप है, लखनपुर क्रॉसिंग होता है, चौकियों में क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ हिंदू लोग बैठे हैं, हिंदू लोग वहाँ से क्रॉसिंग करेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा उनके ऊपर, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि हम गृहस्थी लोग होते हैं और हिंदू लोग होते हैं, उनको बड़ा पाप लगेगा। पैसे के जरिए जो हिंदू लोग जो ये पार करेंगे गायों को, गाय माता को जो नष्ट करेंगे, ये बड़ा भारी पाप होगा हिंदुओं के लिए। हिंदू एकजुट होकर एकता बढ़ाकर और गाय को बचाएं और अपने मान सम्मान को बचाएं। जय भारत माता की। मैं तो बड़ी स्पष्ट गल करता, मैं तो बड़े ज्यादा इस टॉपिक के उपर बड़े बारी बोली चुके हैं कि एक धंधा बन चुके था अफसर एक पैसे कमाने का तरीका दुपले का, जरा परमिशन दिया था उसी भी शर्म नहीं आवा दी, कह रहा कि तुम भी बतरनी नदी टपनी है, ठीक है, जरा दुम्ब फड़नी गवा दी, जे तू दी हत्या करागा तू ते लुड़े पौने लुड़े इन्हें अफसरें की सराहना, जिन्हें लोग परमिशन बनाए बनाए दिया चंद पैसे के लालच च। कुछ लोग सारे घर च गदार होंगे हमेशा होंगे आए न, जय चंद के घरें पैदा होंगे, कुछ लोग जो अपने लीडर न वह भी रले दिन मैं आख जो लोकल लोग न वह भी लोग रले न और कन्ने ही टपा दें। अज मतलब की है मार्च महीने ये सारिया परमिशन खत्म हो जाए, अज किस बेस का परमिशन दी जा रही है, और एक गल दसा कुसा डेरे तो चली जाओ गल है कुसा डेरे के उपर जरा तुम गौ नहीं लभनी, इं आम तौर पर किड़िया गवं रखी दी 100-100 बन्ने का उपर पहाड़े जाइए ना उन्हें कुछ खिलाते ना पिलाते, पता नहीं कितनी बदुआ लै देने लोग, और भी दसा और सारी मिली भगत पूरी पुलिस की मिली भगत और सारी जी है जी एडमिनिस्ट्रेशन जी परमिशन दिंदी है इन्हें की है पहले चैकिंग होंगी है, डॉक्टर भी रले दे मैं तुम्हें आखना वह भी रले दे, और जो बाकी बचते ना वो पैदल नहीं जा दे, बॉर्डर के उपरे लोग कच्चे रूट बनाए दे 200 बारी डेपोटेशन होंगे आई चुके लोगों का, कल है कि भाई कच्चे रूट गए थे सारे खेतर तबाह कर उड़े, लेकिन इन्हें पैसे कहो न्याय है जेड़ा ठीक है जेड़ा जो बोली सकता जेड़ा जीव है वह बोली सकता जेड़ा बेजुबान है उसके कन्ने कोई बोलने शक्ति नहीं है। टैंकर एम्बूलेंस गड्डिया ठीक है कोई 100 बिचा 2 गड्डिया फट लेंगे गल है, लेकिन 98 डंगे दिया भी हैं और सारे नाके उपर पैसे लेंदे रहे सारे की पता है गल है ये बता मैं आखा कि कुत ना कुत समाज की जागरूक होने पौना। अगर अस अपने कोई दूआ धर्म का आदमी है अगर वह बोलता उसकी किताबा का कोई पेज भी फटी जा ना तो लखा लोगों का कतल करी उठते, अस गौ की माता मनने हैं, और अगर माता का कोई कतल करेगा तो नैचुरली समाज की सारे की जागरूक होने।